मॉर्निंग एवरीवन। और भांगशु टेम्पल और वाटरफॉल खत्म करने के बाद ये नेक्स्ट डे है और आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा मैक्लोरगंज में एक दो चीजें हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा क्या एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। और मैं अभी खड़ा हूँ जहाँ से अभी पूरा मैक्लोरगंज देखो दिख रहा है, यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसा देखो अलग अलग कलर के घर बने हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग्स है, तो अच्छा लग रहा है। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैक्लोरगंज की गलियां, कितना ही प्यारा लग रहा है यार यहाँ से देखने में व्यू। ये है मैक्लोरगंज की गलियां और बहुत अच्छा लग रहा है। बीच बीच में ऐसे कलरफुल फ्लैग्स लगे हुए हैं जो बुद्धिस्ट फ्लैग्स होते हैं, देखने में मज़ा आ रहा है। है जो लोकेशन है ये है टिप्पा रोड, और टिप्पा रोड मतलब यहाँ से मेरा हॉस्टल जो है मैक्लोडगंज बस स्टैंड है वहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास होगा, तो अभी पैदल ही जा रहा हूँ। तो अभी मुझे जाना है नड्डी। नड्डी एक जगह है जहाँ से व्यू पॉइंट आता है और वहाँ से माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं, स्नो वाले माउंटेन्स दिखते हैं। तो अभी नड्डी के लिए बस देख रहा हूँ और मिल जाए तो बढ़िया है। मैं बस स्टैंड छोड़ा है पीछे गलती से, तो कोई नहीं बस यहीं से निकलेगी, मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, बाकी देखते हैं। तो हमें मिल गई है नड्डी की बस और हम जा रहे हैं नड्डी। नड्डी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर होगा और टिकट ले लिया, 2,850 रुपये की टिकट है। तो अब नड्डी जा रहे हैं। नड्डी में है क्या भैया वैसे व्यू पॉइंट है? अच्छा वहाँ से बर्फ वाले पहाड़ दिखते हैं। तो बस ले लिए, ये HRTC की बस है सरकारी वाली, तो इसमें बैठ चुके हैं और माता जी बैठी हैं। नमस्कार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नड्डी, और नड्डी एक मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा गांव सा एरिया है और बढ़िया लग रहा है। ये देखो होटल वगैरह है यहाँ पे, और अभी नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे शायद व्यू पॉइंट वगैरह है। वो देखो घोड़े हैं, गधे हैं, घोड़े गधे जो भी है खाना खा रहे हैं। तो अभी जाते हैं, यहाँ लोग टूरिस्ट बैठे हुए हैं, तो चलते हैं अभी नीचे देखते हैं क्या है क्या नहीं है नड्डी में। आई थिंक ये पार्किंग वाली जगह है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ टैक्सी वगैरह खड़ी है। नड्डी तो यार भूख लगी थी, पहले सोचा कि कुछ खा पी ले, तो यहाँ पे बनवा रहे हैं ब्रेड ऑमलेट, और पहले पेट की पूजा फिर व्यू वगैरह तो देखने का मज़ा आएगा ना। और सामने है पहाड़, यहाँ से अभी नहीं दिख रहे होंगे, अभी नीचे चलते हैं। बेसिकली नड्डी मेरे को लग रहा है कोई व्यू पॉइंट टाइप का ही है यार। देखो पहाड़ों पर क्या होता है दिखने के लिए व्यू पॉइंट, मतलब कहीं भी खड़े हो जाओ नज़ारा देखने के लिए, वो तो पॉइंट बनाए रहता है ताकि टूरिस्ट का अट्रैक्शन बना रहे। तो मतलब जहाँ मर्जी चले जाओ यार वही व्यू होता है यार पहाड़ों पे। तो आ चुका है हमारा ब्रेड ऑमलेट। अभी वो बता रहे हैं वहां पे दिखता है बर्फ और व्यू पॉइंट है, लेकिन अभी धुंध बहुत है। धुंध मतलब बारिश वारिश का मौसम बन रहा, बादल आए हुए नीचे, तो शायद इस वजह से नहीं दिख रहा है। अब आगे चल के देखते हैं, कुछ व्यू दिखता है तो कुछ अच्छा रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा सा व्यू अच्छा है यहाँ का, मतलब कह सकते हो आना वर्थ है। आप आओ,
और सर्दी में तो यहाँ बहुत मजा आता होगा। ये दूरबीन है जिससे आप देख सकते हो व्यूज। ये देखो पर पर्सन 50 रुपीज़, 10। ये है धौलाधर की पहाड़ियाँ जिसपे ट्रैक भी हो जाता है, 18 किलोमीटर का ट्रैक है ये। वो वहाँ पे बीच में स्टे भी है कुछ, यहाँ से वो उसमें दिखा रहे हैं टेलीस्कोप में, मैं नहीं देख रहा हूँ। बाकी अच्छा है व्यू अगर आप आ रहे हो तो। आज तो थोड़ी सी मतलब ऊपर बादल छाए हुए हैं और धूप थोड़ी कम है। ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन, इसे चील का पेड़ बोलते हैं, चील। और वो वाले जो है वो तो आपको पता ही होगा, देवदार बोलते हैं। देवदार पेड़ को काटना बिल्कुल, वैसे पेड़ तो कोई भी नहीं काटना चाहिए, लेकिन उसको काटना बिल्कुल मना है। अगर काटते हो तो भैया खून करने के बराबर ही सजा होगी आपकी। तो अभी आगे जा रहा हूँ, आगे एक स्कूल है बता रहे हैं, मतलब क्या स्कूल देखना क्या, लेकिन फिर भी चलो आए हैं तो कुछ तो व्यू पॉइंट के हिसाब से देख ही लेते हैं। रास्ते लेकिन प्यारे यार, कुछ भी बोलो, रास्ते देख रहे हो कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। मतलब साइड में ग्रीनरी है, पतली सी टूटी फूटी सी रोड है। देखो आपको भी यही है, वही कहता हूँ, घूमो फिरो यार, ज़िंदगी के मज़े लो। हाँ मानता हूँ पैसे भी कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप को मत भूल जाओ यार। तो ये है कोई योगा स्कूल, चलते हैं देखते हैं। तो बेसिकली ये था योगा स्कूल, और यहाँ पे बाहर से मतलब अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं मेडिटेशन और योगा करने के लिए। अंदर एक मेडिटेशन रूम था लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं लेट हो रहा था। अभी जा रहा हूँ एक नड्डी में ही बता रहे हैं, कोई वाटरफॉल है, देख के आते हैं कैसा वाटरफॉल है। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी जा सकती है, लेकिन मैं तो पैदल हूँ तो पैदल ही जा रहे हैं हम। थोड़ा सा दूर है, मतलब 10-15 मिनट अब तो पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन हाँ कोई ऐसा स्टीप नहीं है कि चढ़ाई है बहुत ज़्यादा, पतले रास्ते हैं। देखो कितने खूबसूरत है पतले रास्ते, वो देखो। यहाँ पे एक गुन्ना देवी टेम्पल है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी थोड़ा सा ट्रैक करके है। यहाँ से शायद दिख रहा होगा, इस साइड है कहीं पे, इस साइड ही है कहीं। तो भाई वाटरफॉल तो नहीं है, वो बता रहे कोई रिवर है यार। इतने अभी थोड़ा सा लिफ्ट मिल गया था थोड़ी सी दूर के लिए। और बाकी वैसे व्यू रास्ते वगैरह अच्छे हैं, देखो लैंडस्लाइड वाला एरिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देखो पत्थर ऐसे लग रहा है काट काट के बनाया हुआ है। भाई ये पत्थर गिर जाए ना किसी पे, बचेगा नहीं बंदा, सीधा ऊपर ही चला जाएगा। भाई ये पत्थर काट काट के या पता नहीं गिरे हैं ये सारे, लैंडस्लाइड हो रखे हैं। भाग लो यहाँ, रुकना जो सेफ नहीं है। नदी तो वो रही, मतलब पूरी सूखी सूखी दिख रही है, थोड़ा सा पानी के चलने की आवाज़ आ रही है, तो चल के देख ही लेते हैं अभी इतनी दूर आए हैं तो। ये नदी का रास्ता है, इस नदी का है बल नदी, बल नदी नाम है। बाकी चल के देख लेते हैं नीचे क्या है। ये झरना बह रहा है ये, तो ये छोटा सा पुल है।
यहाँ पे आना टोटली वर्थ है, यहाँ पे आप आ सकते हो। थोड़ा सा अगर पैदल चलना हो, अगर गाड़ी वाड़ी है, स्कूटी वगैरह, तो उससे आ जाओ। चिल्ड पानी है और पानी बह रहा है, यहाँ पे नहा भी सकते हो। मुझे पता नहीं था ऐसा साधन है, नहीं तो मैं टॉवल वगैरह लेके आता। पानी बह रहा है और चेयर यहाँ पे लगी हुई है, कैफ़े वालों की होगी चेयर, लेकिन कोई है नहीं, हम बैठे हुए यहाँ पे, मज़े चल रहे हैं, फुल चिलिंग चल रही है। आप यहाँ के नहा, यहाँ पे आके नहा सकते हो। बरसात में मतलब पानी यहाँ भर जाता हो, अभी तो पानी कम है, लेकिन हाँ वर्थ है भाई, वर्थ है, सच में वर्थ है। और बता रहे बरसात में तो यहाँ पुल तक पानी आ जाता है। बाकी ठीक है यार, आओ आप यहाँ पे नदी में, आप किसी से भी पूछ लेना बल नदी कहाँ पे है, तो बल नदी से बोलते हैं, बल नदी, ये पहाड़ों से आ रही है नदी। तो आप आके यहाँ पे चिल मारो, रिलैक्स करो, और खाने पीने का कैफ़े वगैरह भी है, मैगी वगैरह आप ऑर्डर कर सकते हो, चाय वगैरह, जैसा भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से। तो थोड़ा अंदर चलते हैं, अभी पानी बहुत ठंडा है भाई, बहुत चिल्ड है पानी, गहरा है थोड़ा सा आगे, यहाँ पे ज़्यादा गहरा तो नहीं है। तो यार पहले मैं यहाँ आने के लिए सोच रहा था, लेकिन सच में यार बहुत खूबसूरत है, बहुत औसम जगह है। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ ऊपर क्या है, लेकिन आप यहाँ पे ज़रूर आए, बहुत रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, और मज़ा आएगा सच में। बाकी ऊपर देखते हैं क्या है। यहाँ कैंपिंग वगैरह भी हो जाती है, वो उधर साइड में कैंप वगैरह लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे कैंप के लिए, तो कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो आप। तो उधर फैमिलीज बैठी है, मेरे ख्याल से पिकनिक वगैरह मना रहे हैं वहाँ पे, कैंपिंग वगैरह हो रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं यार, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। बाकी क्या है यार, जगह तो खूबसूरत है, दिल तो लग ही जाता है, उसमें क्या है। नटी से पहले है एक डल लेक, डल लेक भी आप जा सकते हो, नटी से 1 किलोमीटर के आसपास ही होगा, तो वहाँ भी आप जाओ, बोटिंग वगैरह होती है। मैं वहाँ मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आप जा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हिमाचल के ही किसी अदर लोकेशन पे हम जाएंगे। चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन दबा के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कोई फीडबैक, कुछ भी सजेशन वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू सो मच, बाय बाय।